वेनीपुर स्थित शिव शाही मंदिर में स्थापना दिवस समारोह के शुभ अवसर पर राजाधिराज साईनाथ महाराज की जय के जयकारों के साथ भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। सुबह 9:30 बजे साईनाथ की पालकी प्रातः 5 बजे पूजन विधि विधान से किया गया। पारंपरिक रूप से वस्त्रों से सजे चार चौबदार एवं महंत जी द्वारा नारियल फोड़कर शुरू हुई शोभा यात्रा। सबका मालिक एक के जयकारे के साथ साई बाबा पालकी में सवार होकर भक्तों के कंधों पर निकले। बाबा की पालकी को कंधों पर उठाकर भक्त धन्य धन्य महसूस कर रहे थे। काशी में भक्तों को दर्शन देने सीढ़ी की ही भांति निकले ये दिव्य शोभा यात्रा वेनीपुर से स्थानीय क्षेत्र से होते हुए पुनः साई मंदिर वेनीपुर जा पहुंची। पालकी में चलने वाले समस्त भक्तों के लिए जलपान की भी व्यवस्था और ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः की गूंज भी होती रही। सीढ़ी की भांति पूरी आरती संस्कृत और मराठी में मूल रूप से हुई और तत्पश्चात महाभंडारा का शुरुआत हुआ जो देर रात भक्तों के आने तक चलता रहा। इस अवसर पर सायंकाल आरती के पश्चात भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय मुख्य गायक कलाकार श्री पुनीत कृष्ण जेटली पागल बाबा जी उपस्थित थे। उपरोक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंदिर के अध्यक्ष श्रीमती गीता द्विवेदी, शिशिर सिंह, मंजीत गुप्ता, राम जन्म पार्टी एवं समस्त कार्यकर्ता एवं भक्तगण उपस्थित रहे। R9 भारत के लिए आलोक कुमार सिंह की रिपोर्ट, वाराणसी से।